तो जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, हमारा फ्यूजन का आखिरी टाइप रह गया था। हम फ्यूजन पढ़ रहे थे एक्चुअल में, और फ्यूजन के अंदर हमारा फ्यूजन 3 तरह का होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, फ्यूजन हमारे 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, एंड लास्ट हमारा मेथड है प्लाज्मा टॉमिक। प्लाज्मा टॉमिक काफी यूनिक मेथड है, यूनिक किस्म का बाइनरी फ्यूजन, यूनिक किस्म का फ्यूजन है, सॉरी। तो प्लाज्मा टॉमिक में एक्चुअली होता क्या है? नॉर्मली देखिए क्या होता है कि किसी भी सेल डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। बट यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा टॉमिक के अंदर पहले साइटोकाइनेसिस होता है और उसके बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है एक्चुअल में। जितने भी सेल डिवीजन एक्चुअल में होती है, उन सबसे ये प्रोसेस काफी अलग है। तो पहले यहाँ पे क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, आफ्टर दैट कैरियोकाइनेसिस। तो जैसे आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा टॉमिक वैसे होता क्या है, पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम देते हैं। इसमें ये होता है कि इन दिस केस द सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉल डॉटर मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट्स विदाउट कैरियोकाइनेसिस। तो इट मींस कि ये पहले कैसे डिवाइड करेगा? साइटोकाइनेसिस से डिवाइड करेगा, और उसके बाद लेटर ऑन बहुत देर बाद जाके क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी। तो आप जैसे आप देख सकते हैं कि इसके दो एग्जांपल है, ओपेलिना वेनुला जो कि फ्रॉग के रेक्टम के अंदर रहता है, ये प्रोटोजोन है, और पिरोमिक्सा भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसको जायंट अमीबा कहते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल है इसके प्लाज्मोटॉमी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द ओपेलिना वेनुला। तो ओपेलिना वेनुला के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लैजेला है, और ये एक मल्टी न्यूक्लियर पेरेंट है, और ये मल्टी न्यूक्लियर पेरेंट जो है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है, आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ये दिखा रही है किसको, एक तरह से क्लीवेज हो रही है। ये जो सिंगल पेरेंट है ये 4 डॉटर स्मॉल डॉटर में डिवाइड हो गए। आप देख सकते हैं पहले साइटोकाइनेसिस हुई है, तो स्मॉल डॉटर बन रही है। अब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट के जैसे, पेरेंट के जितने नहीं है, ना ही इनका साइज पेरेंट के जैसा है, ना ही न्यूक्लियस पेरेंट के जितने हैं। तो लेटर ऑन क्या होता है, जैसे ये पैरासाइट जो है स्मॉल डॉटर में कन्वर्ट होता है, आप देख सकते हैं 4 डॉटर यहाँ पे बन रही है। उसके बाद क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस लेटर ऑन होता है। तो कैरियोकाइनेसिस जब होता है तब जाके ये जो पैरासाइट है अपने पेरेंट के जैसा साइज एक्वायर कर लेता है, और अपने पेरेंट के जैसे न्यूक्लियस एक्वायर कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि अब ये 4 डॉटर इनके पास साइज अपने पेरेंट के जैसा है और न्यूक्लियस भी अपने पेरेंट के जितने हैं। तो प्लाज्मोटॉमिक के अंदर एक मल्टीलिटरल पेरेंट डिवाइड करता है सेवरल स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स के अंदर विदाउट कैरियोकाइनेसिस। तो शुरुआत में देखिए सिर्फ साइटोकाइनेसिस हुई तो डॉटर बन गई, बट लेटर ऑन ये क्या बन गए? अडल्ट बन गए, और इनके न्यूक्लियस भी उतने ही आगे जितने इनके पेरेंट्स के पास थे ड्यू टू कैरियोकाइनेसिस। तो दिस वॉज योर प्लाज्मोटॉमिक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्लाज्मोटॉमिक की वजह से, प्लाज्मोटॉमिक के साथ हमारा फ्यूजन खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होता है कि बडिंग में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बडिंग। और बडिंग हमें, जैसे कि हम जानते हैं, बडिंग हमें पढ़ना है दो केसेस में। एक तो हम पढ़ेंगे बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन यीस्ट, और नेक्स्ट हमारा होगा बडिंग इन एनिमल्स, बडिंग इन एनिमल्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन एनिमल्स, ये थोड़ी अलग किस्म से होती है, और ये थोड़ी अलग किस्म से होती है। बडिंग को बेसिकली कहते हैं, बडिंग बेसिकली एक अनइक्वल डिवीजन है। इसके अंदर जो पेरेंट बर्ड है, जो पेरेंट बर्ड है, जो जो डॉटर बर्ड बनता है पेरेंट बर्ड से, वो हमेशा उसके साइज के कंपेरिजन में हमेशा स्मॉल बनता है। तो डॉटर बर्ड हमेशा साइज में स्मॉल बनता है, तो इसीलिए इसको हम अनइक्वल डिवीजन भी कह सकते हैं बडिंग को। तो सबसे पहले हमें बडिंग इन यीस्ट पढ़ना है। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं जो यीस्ट बड़ी करती है उसे क्या बोलते हैं? बड़ी यीस्ट। और सारी यीस्ट बड़ी नहीं करती, ये भी एक बात हमें जानने लायक जरूरी है कि सारी यीस्ट बड़ी नहीं करती है।
कुछ यीस्ट फ्यूजन भी शो करती है, जैसे हम पिछला मेथड पढ़ के आए फ्यूजन। तो हमें ये जानना है, इससे पहले कि हम बड़ी यीस्ट को जाने, हमें जानना है फ्यूजन यीस्ट कौन सी होती है। तो ये यीस्ट फ्यूजन करती है, तो सिजो सैक्रोमाइसिस, ये जो जीनस होता है, दिस जीनस, इस जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज आती है वो सब किससे बिलोंग करती है, फ्यूजन यीस्ट से, और ये बाइनरी फ्यूजन शो करती है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, सिजो सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस, सिजो सैक्रोमाइसिस जेपोनिकस, ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल ऑफ इट। तो सिजो सैक्रोमाइसिस, सिजो सैक्रोमाइसिस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा जो है क्रायोफिलस, ठीक है, सिजो सैक्रोमाइसिस प्रॉम्प, दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन। तो जो भी जीनस सिजो सैक्रोमाइसिस के अंदर जो भी स्पीसीज आती है वो सब किससे बिलोंग करती है, फ्यूजन से। तो दे शो बाइनरी फ्यूजन, क्या शो करती है, बाइनरी फ्यूजन शो करती है, मींस दे डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो होगी फ्यूजन यीस्ट। अब हमने किसके बारे में डिस्कस करना है, बड़ी यीस्ट के बारे में। बड़ी यीस्ट आप सभी जानते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी को हम बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विसी जिसको हम जानते हैं बेकर्स यीस्ट। जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी अल्कोहल बनती है, उन सब में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ब्रूड यीस्ट बोलते हैं इसको, क्योंकि जितने भी अल्कोहल बनाई जाती है उसको यीस्ट, उसके उस अल्कोहल को बनाने के लिए हम इस यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इसको हम ब्रूड यीस्ट भी कहते हैं। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेकरी का प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इसको बेकर यीस्ट भी कहते हैं। तो यहां से हमें ये चीज क्लियर होती है कि सारी जो यीस्ट होती है वो बर्डन नहीं करती है, कुछ यीस्ट जो है फ्यूजन भी करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं सिजोसाइक्रोमाइसिस फ्यूजन भी शुरू करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कैसे बड़ी यीस्ट बर्डन करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे नॉर्मली क्या होता है, दिस इज द यीस्ट, और जब ये बर्डिंग करती है तो क्या होता है, एक स्मॉल डॉटर बड बनता है, फेल बड, और ये क्या है, स्मॉल डॉटर बड। तो क्लियरली यहां पे पता चल रहा है कि ये अनइक्वल डिवीजन है, और फिर फाइनली होता क्या है कि ये पेरेंट बड से ये डॉटर बड अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन के अंदर बडिंग ऐसे होती है यीस्ट के अंदर, कौन सी यीस्ट की बात कर रहे हैं, साइक्रोमाइसिस सीरीज़। बट कई बार क्या होता है, व्हेन व्हेन यीस्ट इज प्रेजेंट इन हाई शुगर मीडियम, एक कंडीशन है यहां पे, व्हेन यीस्ट इज प्रेजेंट इन हाई शुगर मीडियम, उस केस में क्या होता है, तो ये जो पेरेंट बड है ये क्या करता है, ये लगातार डॉटर बड बनाते जाता है, बनाते जाता है, और वो डॉटर बड भी साइज में स्मॉल ही होते हैं, अनइक्वल ही होते हैं। बट वो बड जो होते हैं, वो जो डॉटर बड होते हैं, वो अपने पेरेंट बड से सेपरेट नहीं होते, वो लगातार बडिंग करते जाते हैं विदाउट सेपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट, इस तरह से। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहां पे, तो ये डॉटर बड क्या है, लगातार बडिंग करते 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 एक लंबा स्ट्रक्चर बना देते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पे फाइबर स्ट्रक्चर बना देते हैं, थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं यीस्ट क्या होती है, यीस्ट एक ऐसी फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर होती है, और जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मोल्ड, क्या बोलते हैं, मोल्ड। और आपने पढ़ा था जो प्लस वन के अंदर कि मोल्ड जो है, मोल्ड जो होती है मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, और मल्टी सेलुलर फंजाई की बॉडी होती है किससे बनती है, हाइफे से, बहुत सारे हाइफे जुड़े क्या बनाते हैं, माइसीलियम। तो यहाँ पे यीस्ट जो होती है, यीस्ट होती है यूनिसेलुलर, और यीस्ट के अंदर माइसीलियम एब्सेंट होता है, हाइफे एब्सेंट होता है। तो
तो क्योंकि यहां पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब ये हाई शुगर मीडियम होता है, हाई शुगर मीडियम में ऐसा देखा जाए, हाई शुगर मीडियम के अंदर जब डिवीजन होती है तो क्या होता है, ये फॉल्स माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो डॉटर बर्ड लगातार बड़ी करते जाते हैं विदाउट सेपरेटिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स माइसीलियम या सीरो माइसीलियम, सीरो माइसीलियम। ठीक है, तो ये डॉटर बर्ड है आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर यीस्ट का बना है इस वक्त, ये स्ट्रक्चर मैच करता है एक अनदर यीस्ट से, और जिस यीस्ट से ये स्ट्रक्चर मैच करता है उस यीस्ट का ये नॉर्मल डायग्राम होता है। मतलब अब वो कौन सी यीस्ट है जिससे ये स्ट्रक्चर मैच करता है, उस यीस्ट का नाम है टॉरिला यूटिलिस। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिए जब सीडोमाइसिलियम बनाती है हाई शुगर मीडियम के अंदर, तो उसका ये स्ट्रक्चर एक अनदर यीस्ट से मैच करता है, उस अनदर यीस्ट का नाम है टॉरिला यूटिलिस, जिसको हम बड़ी यीस्ट कह सकते हैं, ये भी बड़ी करती है। तो इसका ये नॉर्मल डायग्राम ऐसा होता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टॉरिलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम क्या कहते हैं इसीलिए, टॉरिलेशन। ये टॉरिलेशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि साइकोमाइसिस सर्विसेज जब बडिंग करती है हाई शुगर ब्रीडिंग के अंदर, तो उसके डॉटर बर्ड पेरेंट बर्ड से सेपरेट हुए बिना लगातार बडिंग करते हैं और एक फॉल्स माइसिलियम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीडोमाइसिलियम। तो ये स्ट्रक्चर उसका मैच करता है टॉरिला यूटिलिस की नॉर्मल डायग्राम से, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टॉरिलेशन। तो इस प्रकार बडिंग यीस्ट में होती है, वो आपने देख ली। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि बडिंग जो यीस्ट के अंदर होती है वो सिर्फ उनके अंदर बड़ी ही नहीं मिलती, वो फीजर भी कर सकती हैं, और बड़ी उनके अंदर नॉर्मल तरीके से ऐसे होती है जिसमें पेरेंट बर्ड से डॉटर बर्ड अलग हो जाता है, बट कई बार हाई शुगर ब्रीडिंग के अंदर सीडोमाइसिलियम स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है साइक्रोमाइसिस सर्विसेज के अंदर। तो ये उसका डायग्राम मैच करता है टॉरिला यूटिलिस से, इसीलिए हम इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं टॉरिलेशन। और हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे बात की थी, मैंने एक फ्लो चार्ट बना के आपको दिया था वीडियो के अंदर, तो वहां पे हमने फ्लो चार्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक फ्लो चार्ट में लिखा भी हुआ है टॉरिलेशन। तो टॉरिलेशन जो बेसिकली है वो अलग से हम पढ़ते भी हैं कई बुक्स के अंदर। तो टॉरिलेशन बेसिकली बडिंग यीस्ट के अंदर ही एक टॉपिक है, ये अलग नहीं है, ये यीस्ट के अंदर ही आता है टॉरिलेशन, तो आपको उसको ध्यान देना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे बडिंग एनिमल के अंदर, तो बडिंग एनिमल्स किस प्रकार होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर।